नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। खेलों का महाकुंभ माने जाने वाले ओलंपिक के 32वें संस्करण का आगाज 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला है। इस साल होने वाले ओलंपिक में भारत से 126 खिलाड़ियों का दल रवाना होने वाला है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीतते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन साल 2016 में रियो डी जेनेरियो में भारतीय दल सिर्फ 2 ही पदक हासिल कर पाया था। अब टोक्यो में भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं। रिकॉर्ड 33 खेलों में 42 स्थानों पर 339 मेडल इवेंट आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक शुरू होने से पहले हम आपको उन खिलाड़ियों की सफलता की कहानी आप तक ला रहे हैं जिनसे ओलंपिक में भारत को काफी उम्मीदें हैं। आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें भाला फेंक खेल विरासत में मिला है और उनसे इस ओलंपिक में पदक की उम्मीद भी है। हम बात कर रहे हैं शिवपाल सिंह की। सभी भारतवासियों की नज़रें उन खिलाड़ियों पर टिकी हुई हैं जो टोक्यो से मेडल लाने के लिए दम दिखाएंगे। उनमें से एक हैं शिवपाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश के हैं। शिवपाल भाला फेंक में मेडल पर निशाना लगाने के लिए जोर लगाएंगे। शिवपाल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धनापुर प्रखंड के हिंगुतारगढ़ गाँव के रहने वाले हैं। उनके पिता रामाश्रय सिंह पीएससी में कार्यरत हैं। खास बात यह है कि शिवपाल को भाला फेंक का खेल विरासत में मिला। उनके पिता रामाश्रय सिंह, चाचा शिवपूजन सिंह और खुद जगमोहन सिंह भी भाला फेंक में जोर लगा चुके हैं। शिवपाल सिंह के चाचा जगमोहन सिंह नौसेना में कार्यरत हैं और भाला फेंक के कोच भी रह चुके हैं। 18 साल की उम्र में शिवपाल की नौकरी स्पोर्ट्स कोटे से वायुसेना में लग गई। फिलहाल शिवपाल की पोस्टिंग हिंडन एयरबेस में है, लेकिन वो इस समय भाला फेंकने की तैयारी पटियाला के इंडियन कैंप में कर रहे हैं। शिवपाल सिंह ने 2019 में दोहा में हुए एशियन गेम्स में 86.5 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। फिर 2020 में चीन के वुहान में हुए वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में 85.47 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा नेपाल में आयोजित प्रतियोगिता में भी सिल्वर मेडल जीता था। शिवपाल अब इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के साथ इस साल होने वाले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले इसी साल चोट से वापसी करते हुए भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर की दूरी के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।